बड़ी खबर के साथ पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। इस्कॉन मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी है, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई, जिसको काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। पुलिस ने भीड़ पर बल प्रयोग किया है। न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि शांति और धैर्य के साथ त्यौहार को मनाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां इस्कॉन मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी है, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। पुलिस ने भीड़ पर बल का प्रयोग किया है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रवि एस नारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या खबर है? बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके बाद जो गेट है वो खोल दिए गए, लेकिन जो पुलिस बल है वो लगातार समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो भीड़ अंदर है वो बहुत ज्यादा है, बाहर से और प्रवेश ना करें, धीरे धीरे जब तक कि श्रद्धालु और निकलते नहीं है, लेकिन भीड़ जो है वो मानने का नाम नहीं ले रही थी और जो भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई। तो भीड़ बेकाबू हो गई तो लगातार जो है पुलिस लोगों के साथ बकझक भी हुई, जिसके बाद हटाने के लिए पुलिस को लाठियां जो है वो भाजनी पड़ी और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद भीड़ जो है वो थोड़ी कम हुई है, उसे पीछे धकेला गया है। फिलहाल जो है यहाँ पे माहौल थोड़ा सा ठीक किया गया है, भीड़ पर थोड़ा काबू पाया गया है और लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो लोग हैं श्रद्धालु वो आराम से आए, दर्शन करें यहाँ पे और उसके बाद धीरे धीरे करके लोग निकलते भी रहे। तो स्थिति अभी बड़ा त्योहार है और सबको पता था कि भीड़ उमड़ेगी, ऐसे में क्या जो व्यापक इंतजाम थे वो नहीं किए गए थे? नहीं, इंतजाम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पुलिस बल है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको कहूँ कि जितना अनुमान किया गया था उससे भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा आ गई है। यहाँ पे कई गुना भीड़ जो है वो हजारों की संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो अचानक पहुंचे हैं। शाम का वक्त है, पूरा पटना शहर जो है वो इस्कॉन मंदिर इस समय उमड़ पड़ा है वाकई। और न्यूज 18 भी लगातार अपील कर रहा है कि जो भी त्योहार है उसे शांति से मनाए, आस्था के साथ मनाए और ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़े। आप हमारे साथ जुड़े रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।